और ठाकुर जी ने नरसी जी सुख कयो कि नरसी जद भी तू काशी में कद भी होसी थारे पासे आ जाऊं। नरसी जी ने मायरा ही बढ़नो थो तो महाराज वा केदारो राग गावता, केदारो राग गावता, ठाकुर जी आवतो महाराज लाइन री लाइन, लाइन री लाइन मायरा लेर जावता। पर नहीं, नरसी जी निष्काम भगत था महाराज, शकाम भावना तो ठाकुर जी किन्नी मंजूर भी नहीं करे। जीवन में निष्कामता होनी चाहिए महाराज, कोई कामना नहीं, बस एक कामना, ठाकुर जी हे प्रभु थारी कृपा मारे ऊपर बनी रहे, बस यू ही काफी है। भगवान ने भक्त रा चरित्र बड़ो ही प्यारो लागे। कहिया महाराज, जैसे माता रे पासे कोई आवे और कहवे माँ भाई थे तो बड़ा जोरदार काम करो, था तो लक्ष्मी हो, जब से घर आई हो तब से अन्न धन लक्ष्मी की कमी नहीं है, थारे तो हाथ में ही जस है। कोई आवे और थारे से यू कहवे, और एक आवे और कहवे थारो बेटो तो यू बड़ो ही काम करियो, थारे बेटा ने तो नाम कर दियो, थारो बेटा तो यू, थारो बेटा तो व्यू। अब बताओ जीने आर थारी तारीफ करी वा थाने गड़ी चोखी लगी, के थारे बेटा री तारीफ करी वो गड़ी चोखी लगी, कई चोखो लगा, पहलोड़ो या दूजोड़ो? दूजोड़ो। आपरी तारीफ करी वो गड़ी नी चोखी लगे, पर महाराज आपरे बेटा री तारीफ करी तो गड़ी चोखी लगे। महाराज ठाकुर जी ने आपरा गुण चोखा नहीं लगे, पने लगे कि ये तो हमारी चापलूसी है। पर महाराज ठाकुर जी ने ठाकुर जी रा बेटा रा गुण गड़ा चोखा लगे, और ठाकुर जी रा बेटा कौन है? भगवान रा भगत। भक्त नहीं होता तो महाराज ठाकुर जी रा नाम भी कोई नहीं जानता। आज भक्त परीक्षा देर देर महाराज ठाकुर जी ने विश्व प्रसिद्ध कर दिया, इन वास्ते बेटा ने नाम करियो है भगवान रो, तो ठाकुर जी ने भक्त रो गुण गड़ो ही चोखो लगे महाराज। इन वास्ते हमें यो ध्यान भी रखना चाहिए कि भगवान रे चरित्र में भक्त रो तो गुणगान होनो ही चाहिए। अब मैं आओ महाराज, नरसी जी रा जन्म गुजरात में जूनागढ़ देश माते हुयो, नागर कुल ब्राह्मण में नरसी जी रो जन्म हुयो। नरसी जी रे जन्म सुई एक शारीरिक दुविधा थी महाराज, कहिया नरसी जी जन्म सुई गूंगा बहरा दोनों ही था, ना तो वाके कानाऊ होड़िस तो महाराज, ना मुंडाऊ बोलिस तो, गूंगा बहरा दोनों था नरसी। हमें महाराज नरसी जी रा माता पिता भी था, पर उन समय एड़ी कोई महामारी बीमारी आई जी में नरसी जी रा माता पिता तो भगवान रा प्यारा हो गया। नरसी जी आपरी दादी कन्ने रहवता, और महाराज नरसी जी री दादी जो थी वह नरसी ने दोरे सोरे राख थी। नरसी जी गूंगा बहरा था, और महाराज नरसी जी रा बड़ो भाई भी थो जिनरो नाम थो बंसीधर, और महाराज उनरी वो भी थी, वो भी जानो ना उनरी लुगाई नरसी जी री भौजाई। अब मैं महाराज वारो स्वभाव तो मैं थाने कई बताऊं, रीछड़ी तो एदी खारी एदी खारी, जनो कोई कड़वो करेलो है। और महाराज वो कहवे नी मिनक में एक बोली रो गुड़ चोखो जावे, मिनक में एक बोली रो गुड़ चोखो है जावे तो महाराज हैंग अवगुण छुप जावे, और एक बोली रो गुड़ चोखो नहीं होवे तो हैंग गुण माते पानी फिर जावे। इड़ वास्ते महाराज मीठा बोलो, या जिंदगी रो या जीवन रो कोई भरोसो नहीं है, आज है कालरी भी गारंटी नहीं है,
मैं आपरी खुदरी गारंटी नहीं दे सकूं कि आज मैं अभी थाने कथा सुना रही हूं, 15 मिनट बाद सुना भी सकूं या 10 सेकंड बाद सुना सकूं, ये मेरे पास भी गारंटी नहीं है। महाराज वो कहवे नहीं, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दासता अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना रहे, पर महाराज आपरो प्रेम आपरो व्यवहार या संसार में रहेगा, और संसारिक लोग बात बात पे याद करेला, एड़ वास्ते महाराज मीठा बोलो। नरसी जीरी बोझाई थी महाराज, वा तो नरसी जी ने, नरसी तो सुहाता ही नहीं उन्हें, दिन भर खुड़लाई करती रहती, यो गुंगो बैरो कटसू आई गयो है, यो गुंगो बैरो कटसू आई गयो है। महाराज नरसी जी दादी पर नरसी ने अपने दौरे सोरे राख थी, कठे मंदिर देवड़ा मंदिर जावती, कथे सुन लेती कोई महाराज आयोड़ा है, कोई महाराज आयोड़ा है, तो बैठे आपरे पोता नरसी ने लेर जावती, और महाराज सु कहवती, महाराज थे ने कई आशीर्वाद दियो, इन्हें बोलता करो, इन्हें हवल करो महाराज। महाराज कहवता, अरे भाई कहीं हवल करूं, यो तो ठाकुर जी रो दियो वे दियो वो प्रसाद है यारो प्रारब्ध है, ये गुंगो बैरो दोनों ये मैं ठीक नहीं कर सकूं, पर मारा लान डोगरी रो यू व्याव थो के कभी ना कभी तो मारो पोतो हावल होवे लो। हमें महाराज एक दिन शिवरात्रि रो दिन थो, और थे तो जानो मारा शिवरात्रि में भोलेनाथरी कितनी खातिर होवे, और उन दिन तो महाराज कोड होवे जल चढ़ावन रो, चलो चलो जल चढ़ावा शिव जी पे जल चढ़ावा, और महाराज भीड़ घड़ी होवे तो ठाई नहीं पड़े कि शिव जी पे चढ़ियो कि दगला रे माथे पे चढ़ गयो, ठाई नहीं होवे, पर चढ़ानो नियम पूरा हो, ओम नमः शिवाय किनरे भी ऊपर चढ़ो, पर चढ़ गयो। हमें महाराज डोकरी कहवे चलो आज शिवरात्रि रो दिन है, जल्दी बेगी चला नहीं पाचे भीड़ गड़ी।